बीजेपी और कांग्रेस में फिर हुई एक बार मारपीट। बता दें कि जिस तरीके से मारपीट होता आजकल दिख रहा है, चुनाव कुछ ही महीने शेष बचे हुए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, और लोकसभा चुनाव में भी कुछ महीने बचे हुए हैं, इसको लेकर तमाम बीजेपी और कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है सभी आगे निकलने के लिए। तो कहीं कहीं चुनाव की सभा भी रखी जा रही है, वहाँ पर भी मारपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले आप सभी को पता होगा कि तरह तरह के विरोध प्रदर्शन जताए जा रहे थे, यहाँ तक कि कांग्रेस के लोगों को मारकर भगाया जा रहे थे। तो आप ये वीडियो देख भी सकते हैं कि कैसे स्टेज पर भी लोग आपस में लड़ रहे हैं, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के भी पुराने कार्यकर्ता हैं, दोनों आपस में ही बहस हो जाती है और फिर आपस में ही मारपीट देखने को मिलता है, यहाँ तक कि कुर्सियाँ तक भी तोड़ दी जाती है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से आजकल बीजेपी अपने मुकाम पाने के लिए कुछ भी कर रही है और भ्रष्टाचार और महंगाई को बढ़ाते हुए जा रही है, उसको लेकर कांग्रेस ये सहन नहीं कर पा रही है। जब कांग्रेस आवाज़ उठा रही है तो इसको दबाने की कोशिश किया जा रहा है, जिसके लिए पूरे देश जूझ रहा है। इसके लिए आवाज़ उठाने की कोशिश कर रही है तो बीजेपी अपना रुतबा दिखा रही है और दोनों में आपस में ही बहस छिड़ जाती है। उसी को लेकर तमाम तरह तरह के विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है और जगह जगह पे यह विरोध जताया जा रहा है। इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं।